हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 12 दिसंबर है और आज हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स जानने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12 दिसंबर का इतिहास जान लेते हैं। तो आज कुछ जन्म दिवस हैं कुछ लोगों के, तो हमने इसमें से सिर्फ दो लोगों के जन्म दिवस यहाँ पर नोट किए हैं। रजनीकांत, जिनका जन्म आज ही के दिन 1950 में हुआ था, और युवराज सिंह, जो भारतीय क्रिकेट के एक सितारे रहे हैं, जिनका जन्म 1981 में 12 दिसंबर को हुआ था, और युवराज सिंह को 2014 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तो दो लोगों का ये जन्म दिवस है 12 दिसंबर। उसके अलावा 1800 में आज के ही दिन वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैक्सिको, आज के ही दिन मतलब ऑफिशियली उसको पहचान मिली थी स्वतंत्रता की। उसके अलावा पहला जो टेस्ट मैच था 1884 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, आज के ही दिन खेला गया था। कब खेला गया था? 1884 में। उसके अलावा 1911 में भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी 12 दिसंबर को। कुछ और न्यूज़ देखते हैं इसमें आज के दिन की हिस्ट्री में। तो 1915 में जो चाइनीज के प्रेसिडेंट थे उस समय के, युआन जी, इन्होंने अपने आप को चाइना का जो एम्परर घोषित किया था। उसके अलावा केन्या स्वतंत्र हुआ 1963 में, आज के ही दिन। उसके अलावा जो राजाओं को सुविधाएं मिलती थी उन फैसिलिटी को सबको ख़त्म कर दिया था 1971 में, जो भारतीय संसद थी उसने, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो जो उसमें देसी राजाओं को मिलाया गया था तो उनमें प्रलोभन दिया गया था कि उन लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती रहेगी जो भी वहाँ के राजा हैं जिस भी रियासत के, और ये जो फैसिलिटी थी 1971 में इसको पार्लियामेंट ने इसको कैंसिल कर दिया। उसके अलावा 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा का जो पानी है उसको शेयर करने के लिए एक MOU साइन हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1976 में। अगला है कि इंडिया ने आपके दो चीता हेलीकॉप्टर और वेपन्स दिए थे नेपाल को, हमारा जो पड़ोसी नेपाल है उसको हमने 2001 में कितने दिए थे? दो चीता हेलीकॉप्टर दिए थे और कुछ हथियार भी दिए थे। तो ये न्यूज़ थी कुछ दो आज के इतिहास की, यानी 12 दिसंबर का इतिहास यूँ इस प्रकार रहा है आपका। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर प्रश्न है आपका, हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? अभी प्राइज में बांटे गए हैं इसमें, तो पहला पुरस्कार किसे मिला? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल या महाराष्ट्र? सही आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को आपका आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में पहला पुरस्कार दिया गया है। तो जो आपकी आयुष्मान भारत जो खाता आईडी जनरेशन है इसके लिए आपको जो जम्मू कश्मीर है वो इसको पहला पुरस्कार दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को ही टेली परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये जो पुरस्कार कहाँ दिए गए हैं आपका, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का जो सेलिब्रेशन रखा गया है वाराणसी में, वो वहाँ पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। और इसका आयोजन कब हुआ था? 10 से 11 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया गया था। कौन सा? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो ये 5 लाख का बीमा है जो कि गरीब परिवारों को मिलता है, और इसको कब शुरू किया गया था? 2018 में। कभी कभी पूछ लेता है कि आयुष्मान भारत योजना को भारत में कब लॉन्च किया गया था, तो इसको 2018 में भारत सरकार ने शुरू किया था। और ये क्या है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा है, सब जो गरीब परिवार हैं उन लोगों को निःशुल्क ये आपका बीमा मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को ये अवार्ड दिया गया है आईडी जनरेशन के लिए। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर? सही आंसर है आपका 11 दिसंबर है, यानी 11 दिसंबर को आपका यूनिसेफ जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो 11 तारीख को मनाया जाता है ये दुनिया भर में बच्चों, किशोरों की हेल्थ, एजुकेशन और उनके अधिकार और जीवन की रक्षा के लिए उद्देश्य से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी आपका ये 1946 में हुई थी, और इसको पहले इसका नाम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड था, और अभी इसको केवल चिल्ड्रंस फंड कर दिया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका पूरा नाम है। और ये जो द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें जो बच्चे उसके प्रताड़ित थे या उससे अफेक्टेड जो लोग थे उनको बच्चों की देखभाल करने के लिए इस यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया था,
और इस दिन की जो घोषणा है, इस दिन को घोषणा करने का खास मकसद जो बच्चों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, बचपन से किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा विकास करने में मदद करना, ये इसका मुख्य मोटो है। और 2022 की थीम देखते हैं इस दिन की, जो यूनिसेफ डे है उसकी थीम है आपकी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर, मतलब सभी जो लड़कियां हैं उनको वो अच्छा डिजर्व करती हैं और पूरा जो विश्व है वो इससे भी अच्छा डिजर्व करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 11 दिसंबर, यानी 11 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, देखिए ये फार्म की बात हो रही है तो आपको ये बताना है ये किस राज्य ने घोषित किया है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल ने अभी अपने एक सीड फार्म है उसको घोषित किया है। तो ये आपका जो केरल के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, इन्होंने डिक्लेयर किया है सीड फार्म, मतलब बीज फार्म है। कहाँ पर स्थित है आपका? अलोवा में स्थित है। और ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म होगा, और ये जो इसका महत्वपूर्ण योगदान है कार्बन रिड्यूस इमिशन को कम करने में, इसने बहुत मतलब योगदान दिया है। इसके जो सीड फार्म है आपका, इसने मतलब इस अमाउंट को प्राप्त किया है। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं। लास्ट जो 1 ईयर में 43 टन्स जो यहाँ से एमिट हुआ है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट किया गया है 213 टन का किया गया है। मतलब अगर अगर कंपेयर देखेंगे तो 170 टन ज़्यादा कार्बन का इन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, जो केरल सरकार ने पूरे अपनी 140 जो उनकी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें इन्होंने लॉन्च किया है, बोला कि सब जगह हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे जिससे कि भारत का जो टारगेट है CO2 को, जो इमीशन को कम करने का, वो पूरा होगा। हमारा नेट जीरो कार्बन का जो मोदी जी ने टारगेट सेट किया है भारत सरकार ने, वो आपका 2070 तक है। 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन को हम अचीव कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है। नेट कार्बन जीरो क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन को उत्पादन करना बंद कर देंगे, उसका मतलब है जितना हम कार्बन को प्रोड्यूस करेंगे हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारे पेड़ पौधे उतना ही कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएगा, 0 to 0। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल ने इसका पहला जो न्यूट्रल बीज फॉर्म है सीड फॉर्म इसको घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे जहां पर आपकी कांग्रेस पार्टी जीत गई है। तो आपको ऑप्शन है भूपेंद्र भाई पटेल, विजय रूपाणी, मनोहर लाल खट्टर या सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रश्न का सही आंसर है आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये अभी गुजरात में नए जो मुख्यमंत्री हैं, जब ये यहाँ पर गुजरात में बीजेपी की सरकार बन गई है दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ, और इन्होंने भूपेंद्र जो भाई पटेल हैं इनको गुजरात का नया CM बनाया है। और ये जो घोषणा की है आपके बीजेपी के जो नेता हैं केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बताया है कि भूपेंद्र पटेल को हम मतलब मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, और इन्होंने अभी शपथ भी ले ली। ये शपथ बाद में लेंगे, अभी इन्होंने घोषणा की है। गुजरात के बारे में कुछ हम तथ्य जानते हैं, तो गुजरात का जो गवर्नर हैं आपके आचार्य देवव्रत जी हैं, या की राजधानी आपकी गांधीनगर है, और जो आपके सिंधु सभ्यता से स्थल दो पूछे जाते हैं आपके कि कौन कौन से गुजरात में है, तो आपका धौलावीरा और लोथल, लोथल आपका जो कि आपका बंदरगाह था वो आपका कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। और धौलावीरा को आपका ये अभी विश्व विरासत संस्थान इसको मतलब दर्जा दिया गया है, तो ये 40वां भारत में विरासत साइट है आपकी, तो ये धौलावीरा है। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि यहाँ पर केवड़िया में गुजरात में स्थापित की गई है। कौन सी नदी है आपकी? नर्मदा नदी, नदी देख लीजिए आप। इसका जो राज्य सॉन्ग है, स्टेट सॉन्ग जो है आपका जय जय गरवी गुजरात, ये इसका स्टेट सॉन्ग है गुजरात का। और इसका स्टेट एनिमल यानी जानवर जो है आपका एशियाटिक लॉयन, यानी एशियाई जो आपके शेर हैं वो यहाँ का स्टेट एनिमल है गुजरात का। स्टेट बर्ड आपका फ्लेमिंगो पक्षी है, ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का स्टेट बर्ड है आपका। और स्टेट फ्लावर आपका मैरीगोल्ड यानी गेंदा आपका यहाँ का स्टेट फ्लावर है। फल की बात करेंगे तो मैंगो जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है वो गुजरात का स्टेट फल भी है। ट्री की बात करेंगे तो ये ट्री आपका बनियान ट्री है, और ये नेशनल और गुजरात दोनों का सेम है बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। और स्टेट स्पोर्ट की बात करेंगे तो क्रिकेट और कबड्डी यहाँ का स्टेट स्पोर्ट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे गुजरात के बारे में जो हमने कवर किए।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 34वीं किंग्स कप रेगाता में भारतीय जो नाविका हैं आनंदी, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो अभी एक 34th किंग्स कप की प्रतियोगिता हुई है रेगाता में, तो आपको बताना है इसमें जो आनंदी हैं, सेलर हैं आपकी, मतलब आपकी नाविका हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज या सभी? सही आंसर है आपका गोल्ड, यानी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है यहाँ पर। मात्र 13 साल की है और इन्होंने अभी जो 34th आपकी किंग्स कप रेगाता जो प्रतियोगिता हुई है, कहाँ पर हुई है? थाईलैंड में, और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये देखिए, आपका फोटो देखिए, और ये कहाँ की रहने वाली है? मुंबई की रहने वाली है। और इन्होंने किस में जीता? ओपन स्किफ कैटेगरी में इन्होंने आपका गोल्ड जीता है। और इन्होंने बहुत जगह मतलब पहले से ही पार्टिसिपेट किया था, अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन स्किफ जो आपका नेशनल इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें इनकी 15वीं मतलब 5वें नंबर पाई थी, और अंडर 15 कैटेगरी में इन्होंने किया था, मतलब ये 13 साल की है लेकिन अंडर 15 कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, यानी इन्होंने गोल्ड जीता है, थाईलैंड में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है आपका, TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको बताना है, ये बहुत आपका टेबल टेनिस फेडरेशन मनिका बत्रा के चलते सुर्खियों में आया था, उनके जो थे नरेंद्र बत्रा, इन पर इन्होंने जो जो आपकी प्लेयर हैं आपकी मनिका बत्रा, इन्होंने उन पर मतलब हैरेसमेंट का केस डाला था कि इन्होंने ये परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और इसीलिए ये मतलब इसको बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। तो अभी ये चेयरमैन बनाया गया, किसको बनाया गया है? मेघना अहलावत, पीटी उषा, शांति श्री धोलीपड़ी या करणम मल्लेश्वरी? प्रश्न का सही आंसर है आपका मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को अभी हाल ही में TTFI का महिला अध्यक्ष बनाया गया है। मेघना महलावत हैं और इनके जो सेक्रेटरी जनरल बनाए गए, ये दूसरे वाले जो दिख रहे हैं आपके कमलेश मेहता, इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है अभी TTFI का। TTFI की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इनका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत। मेघना अहलावत, पीटी उषा को अभी हमने पढ़ा था, इनको इन जो भारतीय ओलंपिक संघ है आपका उसका हेड बनाया गया है, जिसको शॉर्ट में IOA बोला जाता है। उसके अलावा आपका शांति श्री धोलीपड़ी हैं जो आपकी JNU की हेड बनाई गई हैं, जवाहरलाल नेहरू जो आपकी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा कल जो करणम मल्लेश्वरी है वो आपकी दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की, तो ये जो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी है इसकी हेड बनाई गई है आपकी करणम मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, COP 15 जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जैव देखिए, COP 27 बोला गया, ये COP 15 है, और किस पे सम्मेलन है? ये आपका जैविक विविधता पर, यानी आपका बायोडाइवर्सिटी पर एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर अभी होस्ट की जा रही है, फ्रांस, कनाडा, न्यू दिल्ली या जर्मनी? हर प्रश्न का आंसर न्यू दिल्ली नहीं होता है, और ये जो आपकी है आपकी कनाडा में आयोजित की जा रही है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो ये देखिए, ये बायोडाइवर्सिटी आपका इसकी उसका फोटो इन्होंने डाला है, ये कनाडा की जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने लिया है, और कनाडा में COP 15 की ये जो कॉन्फ्रेंस है आयोजित की जा रही है कनाडा में मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ पर आपका कन्वेंशन हुआ था। तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये 7 से 19 दिसंबर तक 2022 में आयोजित की जा रही है, और ये जो गवर्नमेंट है ये नेचर के लिए इसको संरक्षित करने के लिए इसको आयोजित किया है। और इन्होंने इसमें जो बहुत सारे गोल्स सेट किए हैं, जैसे आपका आपका इनको 30 डिग्री जो आपका परसेंट है लैंड और ओशींस को इनको कंजर्व करना है 2030 तक, इन्होंने इसमें ये टारगेट किया है। उसके अलावा इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो इसके ये 150 गवर्नमेंट लीडर्स का 1992 जो रियो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इसको साइन किया गया था, यानी जो बायोडायवर्सिटी आपका बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी है आपका CBD जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, तो इसको आपको 1992 का जो रियो सम्मेलन हुआ था, रियो कहाँ पर है आपका? ब्राज़ील में, तो वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये कुछ जानकारी थी महत्वपूर्ण जो हमने यहाँ पर देखी। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, कनाडा में ये अपनी COP 15 पे जो बायोडाइवर्सिटी आपकी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अभियान
आयोजित किया गया है, आपको ये बताना है कि ये इसका कौन सा संस्करण था, मतलब इसका एडिशन नंबर क्या था, 39वां, 45वां, 25वां या 21वां। प्रश्न का सही आंसर है 39वां, ये 39th इसका एडिशन था जो आयोजित किया गया हाल ही में। तो भी जो भारतीय नौसेना और जो इंडोनेशियाई नौसेना है, इनके बीच आपका इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, जिसको शॉर्ट में इंडिया इंडो कॉर्पेट कहा जाता है, इसका 39वां संस्करण आज से 19 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है, अभी चल रहा है, 8 दिसंबर को ये शुरू हुआ था। और इसमें भारत का जो भाग लेने वाला है INS कर्मुक, इसमें भाग लेगा। और ये जो कर्मुक है आपका, ये स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्बेट है, मतलब ये हमारे भारत में ही बनाया गया है। और जो गश्ती अभियान है इसी के अंतर्गत, मतलब 15 से 16 दिसंबर तक आपका गश्ती जो जो अभियान है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया जाएगा, और पोर्ट ब्लेयर में एक डी ब्रीफ के साथ संपन्न होगा, मतलब इसे बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज की जाएंगी। तो ये आपका जो इसका मुख्य जो उद्देश्य है आपका, जो हिंद जो महासागर क्षेत्र है, इसमें आने वाले देशों को सक्रिय रूप से मतलब उनकी भागीदारी को बढ़ाना, इसकी सुरक्षा के लिए ये काम करता है आपका। किसी भी जो नेवल एक्सरसाइज होती है वो समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मोस्टली की जाती है। तो इसमें आपका जो इंडोनेशिया पक्ष अगर देखा जाए, तो इसमें आपके जो भाग लेने वाले हैं, तो इसके कप्तान KRI कट नयागदीन, इसका मतलब इसको लीडर करेंगे यहाँ से। तो ये आपका था आपका जो इंडो इंडिया इंडो कॉर्पेट था, ये 39वां संस्करण था, आज से 19 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहा है, और ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच होता है, इतना आपको रखना है था याद। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 39वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनीकरण परियोजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल। बीच बीच में वीडियो कभी लंबा हो जाता है, तो हमने कोशिश की है कि हम कम इसको एक्सप्लेन थोड़ा कम करेंगे, तो जिससे वीडियो की जो लंबाई है थोड़ी सी कम की जा सके। इस प्रश्न का सही आंसर है केरल, केरल ने अभी बनीकरणी परियोजना लॉन्च की है। तो ये देखिए केरल है आपका, इसको केरला में लॉन्च किया गया। केरला में भी कहाँ लॉन्च किया गया, जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें प्रोजेक्ट में रूट आउट जो इनवेसिव प्लांट्स, स्पेशली सेना आपके स्पेक्टिबिलिस एंड रिस्टोर नेचुरल फॉरेस्ट, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर करना, मतलब आपकी जो बना वनों का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा। तो ये केरल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 32। इस प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 40। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे, जैसे कि हमने याद किया था आर्टिकल हम 39 को देखते हैं, तो ये आपका निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। आर्टिकल जो आपका 23 है, ये आपका बाल श्रम से संबंधित है, आप इसमें बाल श्रम नहीं करा जा सकते, इसमें बेगारी नहीं करा सकते, ये आपका बेगारी नहीं करा सकते, ये आपका 23 है। और आपका बिना काम के वेतन, ये होता है जबरदस्ती काम कराना किसी से। 32 आपका संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है आपका, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये आपका आर्टिकल 32 है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने कंप्लीट किए, अभी हम देखेंगे कुछ न्यूज जो अब बच गए हैं, वो क्वेश्चन वो आप वन लाइनर में हम इसको देख लेते हैं, तो इससे क्या है आपका समय भी बच जाएगा और बहुत सारी न्यूज कवर भी हो जाएंगी। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर नागपुर से एक रेलवे स्टेशन वंदे भारत का जो इसको लॉन्च किया है, और ये भारत की 6वीं, मतलब टोटल कितनी हो गई, ये 6 हो गई, ये 6ठी वंदे भारत है जो आपने नागपुर से यहाँ से इसको रवाना किया गया है, यहाँ से मतलब इसको लॉन्च किया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी आपके 6,000 जो 8,650 रुपये की लागत से नागपुर मेट्रो के पहले चरण का लोकार्पण करने वाले हैं, इन्होंने किया है यहाँ पर। देखिए मेट्रो अभी नागपुर में मोदी जी गए थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ परियोजनाएं अच्छी मतलब परियोजना का जो शिलान्यास किया है, पहला आपका भारत जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको उद्घाटन किया है, उसके अलावा नागपुर मेट्रो का उद्घाटन किया है, और उसके अलावा एक महाराष्ट्र का जो आपका एक्सप्रेस वे है
राजमार्ग है उसका भी उद्घाटन किया, जो नागपुर से लेकर शिरडी तक बनेगा। पहले जो चरण में इसको 520 किलोमीटर तक बनाया जाएगा, लेकिन इसकी टोटल लंबाई 701 किलोमीटर होगी, और जो भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे से में एक होगा, मतलब अच्छा खासा होगा। और इसके जो ये 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, यानी आपका नागपुर से शुरू होगा और ये मुंबई तक आने वाला है। पहला जो चरण है वो शिरडी तक रहेगा, बाद में इसको शिरडी से मुंबई तक जोड़ दिया जाएगा, और इसमें लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। तो ये 3 न्यूज़ थी। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके बाद गोवा में भी आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और जो हवाई अड्डा है 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसकी 2016 में शुरुआत हुई थी। जैसे अभी मैंने कल के कुछ स्लाइड में बताया था, वीडियो में बताया था आपको, अभी ग्रीन फील्ड जो हवाई अड्डों की जो परमिशन दी गई है वो 21 जो ग्रीन फील्ड है उसमें ये मोपा का भी है। मोपा जो आपका गोवा में है इसमें ये भी सम्मिलित है। और इसके अलावा जो मोदी जी गोवा में एक और जो सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं वो आपका विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य प्रदर्शनी, इसको भी ये संबोधित करने वाले हैं। और इसमें 50 देश से अधिक जो 400 प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल हुए हैं। और विषय की जो सम्मेलन की थीम रखी गई थी, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, मतलब स्वास्थ्य के लिए आपका आयुर्वेद बहुत जरूरी है। और इस जो सम्मेलन था वो किस पे आयोजित किया गया था, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी। इस क्वेश्चन को हमने कल पढ़ा था। तो ये इसको मतलब संबोधित कौन करेगा, इसको मोदी जी संबोधित करेंगे। कुछ और न्यूज़ देखते हैं। तो अभी भारतीय मूल की एक लेडीज हैं सुष्मिता शुक्ला, इनको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का पहला जो महिला अध्यक्ष और परिचालन अधिकारी बनाया गया है। ये भारतीय मूल की हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा यूएसए ने B-1 रेडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर, यानी एक ये प्लेन है आपका, प्लेन का मतलब आपका जैसे आपका राफेल होता है वैसे ही आपका लड़ाकू जहाज है, और ये आपका मतलब परमाणु जो आपके वेपन्स हैं उनसे संपन्न है, मतलब ये आप ये अनमैन्ड है आपका, मतलब बिना ह्यूमन के इसको ऑटो पायलट के मोड के तहत इसको चलाया जा सकता है, और कहीं पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब को डाला जा सकता है बिना जान माल के नुकसान किए हुए। उसके अलावा प्रेसिडेंट कलर स्टैंडर्ड और कलर के नए डिजाइन का अनावरण किया गया है। हमने इसका फोटो यानी डाला है। अभी इंडियन नेवी ने अपना एक नया तिरंगा, अपना नया ध्वज लॉन्च किया है, जो पुराना ध्वज था उसको मतलब अभी इसको होने के बाद रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो अडानी ग्रीन है ये दुनिया की सबसे बड़ी पवन सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी बन गई है। तो ये मतलब आपका वाणिज्य से रिलेटेड है। उसके अलावा इसके इसरो कर लीजिए, ये ऑटो करेक्ट में गलत हो गया है। तो इसरो अभी लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करने वाला है, और इससे लद्दाख का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चेन्नई मेट्रो में ने भी अपना अभी ऋण लिया है। कहाँ से ऋण लिया, ADB एशियाई डेवलपमेंट से, और कितना ऋण लिया है आपका, 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर इतना ऋण लिया है। और किस लिए लिया है, अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी मुंबई जो सॉरी चेन्नई मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, इसलिए इन्होंने अभी ADB से 700 जो मिलियन अमेरिकी डॉलर है इसका ऋण का समझौता किया। प्रश्न थे जो हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हम इस वीडियो में क्या ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ों को कम कर सकते हैं, जिससे हमें वीडियो बनाने में और मदद मिलेगी। और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए महत्व रखते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, कुछ अच्छी प्रश्नों की सीरीज के साथ। उससे पहले हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में भारत का मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। आने वाले एग्जाम से मैं आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। तो इस ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जो भी आंसर सही लगता है आंसर दे दीजिए। तो हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।